जनाब ईसा सलाम ये दो मरीज को लाके सामने खड़ा कर देते हैं, फरमाते इनको सही करो। हुक्मा ने इनको देखा, हाथ जोड़ लिया, इनके पास मेरा इलाज नहीं है, इसकी दवा मेरे पास नहीं है, हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। जनाब ईसा ने कहा तेरे हिकमत की तेरी हिकमत का दम टूट गया, सिर्फ दो मरीज को देखकर इतने बड़े हकीम बन रहे हो कि अपनी पूजा कराते हो, तुझे शर्म नहीं आती है, इन दोनों को सही करो। कहा हम इसे सही नहीं कर पाएंगे। जनाब ईसा ने कहा मुझे देखो, मैं दवा नहीं दूंगा, हाथ फेर दू ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। हकीमों ने कहा हाथ फेर कर दिखाइए, आपने हाथ फेरा ये भी सही हो गया, वो भी सही हो गया। हकीमों ने कहा आज के बाद हमारे आगे कोई नहीं झुकेगा, हम सब आपके आगे झुकेंगे। आपने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। जावेद सिद्दीकी ने कहा था कि शहरे सना के पास मेरी शहरियत तो है, शहरे सना के पास मेरी शहरियत तो है, शहरे सना के पास मेरी शहरियत तो है, मुझ नातवा के सर पे भी रहमत की छत तो है, और बेशक रजा के घर में मैं पैदा नहीं हुआ, शामिल मेरे लहू में मगर रजवियत तो है, रजा के घर में मैं पैदा नहीं हुआ, शामिल मेरे लहू में मगर रजवियत तो है। अब आखिरी मतलब देखे, आखिरी शेर देखे क्या कहते हैं जावेद सिद्दीकी, कहते हैं कि क्या बात हो आका सरे महशर जो पूछ लें। उलमाए किराम बैठे हैं, बड़े बड़े लोग अल्लामा ज़ाहिर साहब की बुला देखेंगे कि कहते हैं कि क्या बात हो आका सरे महशर जो पूछ लें, जावेद क्यों उदास हो सब खैरियत तो है, क्या बात है आका सरे महशर जो पूछ लें, जावेद क्यों उदास हो सब खैरियत तो है। और वाकई में जब बरेली शरीफ की बात आती है तो एक शायर का वो ख्याल भी आता है कि तेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है, ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। भाई ये बड़ी तेज़ी के साथ मैं गुजारिश करूँगा हुजूर शहबाज़ खिताबत नाशिर मसलक आला हजरत अताए हुजूर सरकार मुफ्ती आज़म हिंद जिन्हें कई खानकाहों की खिलाफत हासिल है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआएं, जान साहब हैं, जान तो आई गई माशाल्लाह, कई खानकाहों की खिलाफत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। खानकाह महमूदिया में हर साल हजरत की दुआ होती है, हजरत का खिताब होता है, हजरत के निज़ाम के हवाले से वहाँ उर्स हुआ करता है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नादिर शख्सियत है, बड़ी नादिर गुफ्तगू है, आप हजरात इस बुजुर्ग शख्सियत का एहतराम कर लें, एक मरतबा नारा लगा दें अगर मोहब्बत के साथ नारा लगा लें मेरे साथ तो बड़ा करम होगा, नारा ये तकबीर। अज़ीज़े गिरामी मरतबत हज़रत मौलाना क़ारी अहमद अली साहब ने एक मदरसे की बुनियाद इस जगह पर रखी है जिसकी तालीमी इफ्तिताह होने वाली है और उसी सिलसिले की कड़ी है कि जो जलसा हो रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस इदारे की तरक्की के गैब से सामान पैदा फरमाए और अहले महल्ला को इस इदारे से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात तारीख़ अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में यह मुहक्क है कि नबी दुनिया में जिस वक्त ऐसे मौके पर तशरीफ लाता रहा है कि जब दुनिया में गुनाह बहुत फैले, बदकारियां फैलीं, बेहयाई फैली, जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जाने लगा, इंसान इंसान की राह में कांटे बिछाने लगा, इंसानियत की बेहुरमती होने लगी, इंसान इतना बड़ा शफाक और दरिंदा बन गया कि अपने हाथों से अपनी जिंदा बेटियों को दफन करने लगा, ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस फरमाया। ये भी हकीकत है कि जब भी कोई नबी आया तो मजबूर बनकर नहीं आया, उस ताकत का हीरो बनकर आया है जिस ताकत का उस जमाने में पूजा होती रही है।
बहुत जल्दी में 10-15 मिनट के अंदर चंद मिसालें हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहला रसूल, पहली किताब लेकर आने वाले हज़रत दाऊद अलैहि सलातो वसलाम हैं। ज़बूर इन पर नाजिल हुई, एक आसमानी किताब, पहली आसमानी किताब। ज़बूर लेकर दाऊद अलैहि सलाम तशरीफ़ लाए। जिस ज़माने में तशरीफ़ लाए हैं उस ज़माने में लोग लोहा की पूजा कर रहे थे, लोहा के आगे सर झुका रहे थे और लोहे को बहुत बड़ा शक्ति और ताकत वाला वाली शय समझ रहे थे। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को बड़ा समझाया कि लोहा तुम्हारे लिए बना है, तुम लोहा के लिए नहीं बने हो। लोहा तुम्हारे आगे झुके, तुम लोहा के आगे झुक रहे हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी जहालत है। कौम ने कहा, दाऊद आपका दिमाग कम है, आपका भेजा छोटा है, इल्म कम है, अक्ल कम है, हम ज़्यादा इल्म वाले हैं, हम ताकत आगे झुकते हैं, जिसकी ताकत, जिसके सामने ताकत होती है हम उसके आगे सर झुका देते हैं। जनाब दाऊद ने फरमाया कि लोहे में कितनी ताकत है, कहा इतनी ताकत है ये तलवार बन जाए गर्दन काट डालेगा, छुरी बन जाए जख्मी कर देगा, सर पर गिर पड़े तो भेजा बाहर कर देगा। जनाब दाऊद ने फरमाया कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर लोहा हो वो मुझे लाकर दो। लोगों ने लाकर इनके हाथ में दिया, लोहा इनके हाथ में आते ही पिघलने लग गया। कौम ने बड़ा करीब से देखा कि जिसको हम देवता भगवान समझ करके सब कुछ उसके आगे निछावर किए दे रहे हैं, वो इनके हाथ में पिघल रहा है, मोम बन गया। जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोहे को जैसा चाहा तोड़ दिया, मोड़ दिया, जो चाहा बना दिया। कौम ने बड़ा करीब से देखा, आकर कहने लगी कि दाऊद अलैहिस्सलाम आपके हाथ में इतनी ताकत है तो आपकी जबान में कितनी ताकत है। हाथ का ये मौजूदा लोहा आपके हाथ में आके पिघलने लग गया। आज के बाद हम लोहा के आगे नहीं झुकेंगे, हम सब लोग आपके आगे झुकेंगे। जनाब दाऊद ने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। थोड़ा सा जमाना गुजरा, एक दूसरे नबी आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम एक किताब लेकर ये भी आए, तौरात। जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं फिरौन का दौर था, फिरौन की हुकूमत थी, फिरौनियत शबाब पर थी, फिरौनियत सर चढ़कर बात कर रही थी। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिरौन के दरबार में तशरीफ ले गए, फरमाया कि तुम कब से खुदा बन गए, कहा जब से मैं पैदा हुआ हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा पैदा नहीं होता, वो खुदा पैदा करता है। तुम कैसे खुदा हो जो पैदा हुए हो, हम तुझे खुदा नहीं मानते। फिरौन ने कहा मूसा आप जानते हो किसे बात कर रहे हैं आप, हम जबानें काट लेंगे, बुद्धि से खींच लेंगे, टुकड़े टुकड़े जिसमें करवा कर दरिया में डलवा देंगे, आप मुझे नहीं जानते, मैं फिरौन हूँ। जनाब मूसा ने कहा कि हम इतना जानते हैं कि ताकतवर मेरा खुदा है, वो जिसे चाहता है ताकतवर बनाता है, जिसे चाहता है कमजोर कर देता है, हम तुमसे दबने वाले नहीं हैं। जनाब मूसा दबे नहीं। फिरौन ने कहा कि मैं इतने जादूगर बुलाऊंगा कि तुम्हारी जबान को खामोश, तुम्हें खामोश करने में मजबूर कर देंगे, तुम्हें शिकस्त दे देंगे। मूसा इस वक्त भी नहीं डरे, आपने फरमाया बुला लो तमाम जादूगरों को। जादूगर बुलाए गए, एक मैदान तय हुआ, एक मकाम तय हुआ, पूरा मैदान जादूगरों से भरा हुआ था। फिरौन का तख्ता बीचों बीच मैदान में लगा, उस पर ये बैठा। फिर जादूगरों ने फिरौन से कहा अगर हम कामयाब हो जाएं तो, कहा आधी सल्तनत तेरे नाम, अपना वजीर हम बना लेंगे, नहलुल मुकर्रबीन अपना मुकर्रब बना लेंगे। जादूगरों ने कहा कि तो जीत तेरे करीब आ गई, फतह आपके कदम को चूम रही है, शिकस्त मूसा का नसीब है, अभी हम जादूगर जादू दिखाएंगे, मूसा भाग खड़े होंगे। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सब सुन रहे थे, डरे नहीं। फिरौन ने कहा जादूगरों से जादू दिखाओ, हमें जीत दिलाओ, हमें फतह दिलाओ। जादूगरों ने रस्सी मंगवाया, सांप बनाया, पूरा मैदान सांप से भर गया।
ये तमाम सांप काले पीले गोले छोटे बड़े ये सब दौड़े मुंह खोले हजरत मूसा की तरफ। हजरत मूसा के साथ जनाब हारून थे। हजरत हारून ने कहा भाई जान डंटा जमीन पर पटकिए। मूसा ने जमीन पर डंटा पटका। इनका डंटा इतना बड़ा अजदहा सांप बन गया कि जादूगरों के सारे सांप को निगल गया। उसका सांप इसके पेट में चला आया। जादूगरों ने देखा मेरा जादू फेल, हम फेल हो गए, हमारा आखिरी जादू सबसे बड़ा जादू ताकत वाला जादू इनके सामने फेल हो गया। तो जनाब जादूगरों ने कहा कि मूसा आपके डंटे में इतनी ताकत है तो आपके हाथ में कितनी ताकत होगी, आपकी जबान में कितनी ताकत होगी। आज के बाद हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे, फिरौन के आगे नहीं झुकेंगे, आपके आगे झुकेंगे। मूसा ने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। तमाम जादूगर ये ताकत जमीन पर गिर पड़े। तमाम जादूगर ये ताकत जमीन पर गिर पड़े। आमन्ना रब्बिल आलमीन रब्ब मूसा व हारून। आज के बाद हम उस रब पर ईमान लाते हैं जो मूसा का भी रब है और हारून का भी रब है। मैं यह कहना चाहता हूँ हर जमाने नबी तशरीफ लाते रहे हैं मगर अंबिया किराम के आने का मकसद बंदों को खुदा से करीब करना रहा है। थोड़ा सा जमाना और गुजरा, एक जमाना और देख लीजिए और तेजी के हमारी बात को समेट दें। पूरा मजमा एक बार इतना जोर से या रसूलल्लाह कह दे, कोई खामोश न रहे, इतना जोर से कहिए कभी मेरी आवाज आसमान से टकराते हुए गुम्बद खजा से टकराए, असहाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज करे हुजूर थोड़ी देर के लिए मदीना छोड़िए, आइए वहां चले जहाँ आपका गुलाम आपका मिलाद कर रहा है, जश्न मना रहा है, आपका जिक्र कर रहा है। थोड़ा सा जमाना और गुजरा, जनाब ईसा तशरीफ ला रहे हैं, एक किताब इनको मिली इंजील, तीन आसमानी किताबें जबूर दाऊद को मिली, तौरात मूसा को मिली, इंजील ईसा अलैहिस्सलाम को मिली। ये जिस जमाने में तशरीफ लाए हैं उस जमाने में डॉक्टरों की हुकूमत थी, हुकमा की हुकूमत थी, हुक्मा के आगे लोग झुक रहे थे। आप कीमी दवा जानते हैं, आज भी बहुत मशहूर है मगर आजकल के डॉक्टर अंग्रेजी डॉक्टर ही हो रही है, हिकमत की दवाइयां लोग कम पसंद करते हैं। मगर जिस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ उस जमाने हुक्मा थे बड़े बड़े हकीम, इतने बड़े हकीम थे कि वो जब जंगल से गुजरते थे तो पत्ते आवाज देते थे, मुझे तोड़ लो मैं फला मर्द में काम आऊंगा। सुभान अल्लाह। आँख कैसे देखती है, पहली तहकीक उन्हीं हुक्मा की है। दिल कैसे धड़कता है, ये तहकीक उन्हीं हुक्मा की है। दिल कब डूबता है, ये तहकीक उन्हीं हुक्मा की है। आज के डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं मगर ये बगैर एक्सरे के कोई इलाज नहीं करते। जाइए आप पहले एक्सरे कराएंगे, एक्सरे देखेंगे फिर दवा देंगे। वो लोग एक्सरे नहीं कराते थे बल्कि नब्ज पर हाथ रखते थे, मरीज को देखते थे और मर्ज बता दिया करते थे। उस जमाने की बात कर रहा हूँ मैं, जनाब ईसा तशरीफ लाए, हुक्मा के लोग पूजा कर रहे थे, हुक्मा के आगे लोग झुक रहे थे। जनाब ईसा ने कहा ऐ हकीम हो तुम पागल हो, तुम भी इंसान ये भी इंसान, ये तुम्हारे आगे क्यों झुकेंगे। हुक्मा ने कहा हम पढ़े लिखे हैं, हम इल्म वाले हैं, इल्म का की बुलंदी ये होनी चाहिए कि जो साहिब इल्म हो उनके आगे गैर इल्म वाले झुकें, ये झुकते हैं झुकने दीजिए, आप क्यों चिढ़ रहे हैं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है। जनाब ईसा ने कहा तुम लोग हकीम हो, कहा हकीम हूँ, कहा कितने बड़े, कहा बहुत बड़े हकीम हूँ, कहा बहुत बड़ा हकीम हूँ, कहा सब मर्ज का इलाज है, कहा सब मर्ज का इलाज करता हूँ, कहा हर मर्ज की दवा मेरे पास है। जनाब ईसा ने कहा सिर्फ दो मरीज को सही करके दिखा दो हम तुझे हकीम मान लेंगे, कहा दो नहीं 20-25 को ले आइए, आन के आन में हम सही कर देंगे। जनाब ईसा ने कहा दो मरीज को ला रहा हूँ इन्हें सही करके दिखाओ। हकीमों ने कहा लाइए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दो मरीज लेकर आए, एक बर्स वाले को एक कोढ़ वाले को, जिनका सफ़ेद दाग है उनको लेकर आए, जिनका उंगली उंगली कटकर गिर रही है, कोढ़ का मर्ज है इनको लेकर आए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ये दो मरीज को ला के सामने खड़ा कर देते हैं, फरमाते हैं इनको सही करो। हुक्मा ने इनको देखा, हाथ जोड़ लिया, इनके पास मेरा इलाज नहीं है, इसकी दवा मेरे पास नहीं है,
हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे। जनाब ईसा ने कहा तेरी हिकमत का दम टूट गया, सिर्फ दो मरीज को देखकर इतने बड़े हकीम बन रहे हो कि अपनी पूजा कराते हो, तुझे शर्म नहीं आती है? इन दोनों को सही करो। कहा हम इसे सही नहीं कर पाएंगे। जनाब ईसा ने कहा मुझे देखो, मैं दवा नहीं दूंगा, हाथ फेर दूं ये भी सही हो जाएगा। हकीमों ने कहा हाथ फेर कर दिखाइए। आपने हाथ फेरा, ये भी सही हो गया, वो भी सही हो गया। हकीमों ने कहा आज के बाद हमारे आगे कोई नहीं झुकेगा, हम सब आपके आगे झुकेंगे। आपने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है, रसूल बनाकर भेजा है। मुसलमानों ये जमाना और गुजरा, 500 साल के अजीम दौर गुजरा, 500 साल के वक्फे के बाद अब जमीन पर वो तशरीफ ला रहे हैं जिनका इंतजार हर नबी को था, जो इब्राहिम की दुआ बनकर आ रहे हैं, खलील की दुआ बनकर आ रहे हैं, जिन्हें काबा को भी इंतजार था, यतीम इंतजार कर रहे थे, बेवाह इंतजार कर रही थी। मैं लफ्जों को ना फैलाऊं, लफ्जों से ना खेलूं, दो लफ्जों में कह दूं, अब वो आ रहा है जिनके लिए जमीन बनी, आसमान बना, हम बने, आप बने, अबिया बने। वो ना आता कुछ ना होता, वो आया सब कुछ हो गया। उन्हीं का नाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मक्का की सदमी में तशरीफ ला रहे हैं, आए तशरीफ लाए, आपको भी एक किताब दी गई जिसे हम कुरान कहते हैं। कुरान एक किताब आपको मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ डंके की चोट पर कहते हैं कि पहली किताबें जितनी आई ना किताब रही ना उनका हुक्म रहा, वो सब मंसूख हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 1600 साल पहले जो कुरान मुस्तफा पर नाजिल हुआ था वो कुरान जैसा कल महफूज था आज भी वो सही महफूज है। उसमें कोई रद्दो बदल ना हुआ, ना जबर बदला, ना जेर बदली, ना पेश बदला, ना कोई तारीफ पैदा हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जब तक दुनिया नहीं अल्लाह है, कुरान भी महफूज रहेगा। कहो जो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कुरान लेकर अल्लाह के नबी तशरीफ लाए। जब आप तशरीफ लाए तो टाइम नहीं है, अब ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। बड़ा अजीब दौर था जिस जमाने में कुरान उतर रहा था, दुश्मनी का दौर, तकलीफ देने का दौर, पत्थरों से मारने का दौर। मुस्तफ़ा जहाँ जाएं, लोग पीछे लगा दें बच्चों को, बच्चे शोर मचाएं, रसूल की आवाज़ को सुन ना पाए। मेरे मुस्तफ़ा सिर्फ ये चाहते थे कि मेरे ऊपर नाज़िल होना कुरान, मैं पढ़ूं, मैं सुनाऊं, पूरी दुनिया इसको पढ़े। कहो जो सुभान अल्लाह। बाजार है, मुस्तफ़ा चले जा रहे हैं, भीड़ भाड़ है, वहाँ मुस्तफ़ा चले जा रहे हैं, कोई सुने ना सुने मुस्तफ़ा कुरान सुनाने पर तुले हुए हैं और कुरान सुना रहे हैं। आपने इरशाद फरमाया, बस एक बाजार का जिक्र करके हम अपनी बात को समेट देते हैं और फिर आने वाले मुकर्रर का इंतज़ार और उनकी तकरीर का इंतज़ार आप कीजिए। पूरा मजमा एक बार इतना ज़ोर से अपनी ज़बान ऊँची करे, इतना ज़ोर से, कोई चुप ना बैठे, सब लोग बोलें। कभी अल्लाह ताला जनाब जिब्राइल से कहे मेरी आवाज़ सुनकर कि जिब्राइल तुम सदरा पर नहीं रहोगे, वहाँ जाओ जहाँ मेरे महबूब का मीलाद हो रहा है, जश्न हो रहा है। इतना जोश कह दो या रसूल अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। हजरात यही कुरान को पढ़ने पढ़ाने के लिए हमारे कारी साहब ने एक मदरसे की बुनियाद रखी है। इस मदरसे की ताकत को ताकत दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान उतरता था तो मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि लोग कुरान सुनें, पढ़ें, पढ़ाएं, माहौल कुरान का पैदा हो, तालीमी कुरान की तालीम का माहौल पैदा हो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोग इनकार करते थे, सुनते नहीं थे, अब बजाय सुनने के मुस्तफ़ा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला लोग कहते थे। एक बाजार अरब में लगता था, उस बाजार में सब फनकार जमा होते थे। इस बाजार का इंतज़ार मेरे मुस्तफ़ा को भी था एक साल से, कहो दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस बाजार में पहलवान, कुश्ती खेलने वाले, तलवार चलाने वाले, तीर चलाने वाले, जबान वाले, फसाहत बलागत वाले, शायर लोग, ये सब इस बाजार में आते थे, साल में एक बार लगता था। मैं उन तमाम फनकारों की बात नहीं करता, सिर्फ जबान वालों की बात कर रहा हूँ। फसाहत बलागत के शहनशाह ये लोग भी इसमें हाजिर होते थे। इनमें से नाम लीजिए, ये हैं जनाब हसान इब्न साबित, ये हैं जुहैर,
फारियाबी और दीगर सोहरा ये सब जाते थे, और जिनका शेर सबसे अच्छा होता था उसके शेर को काबा के गिलाफ पर एक साल के लिए लटका दिया जाता था। लोग आते थे काबा तवाफ करने तो शायर के शेर देखते थे, उसकी तारीफ होती, उसका नाम होता था। एक साल ऐसा हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजार में तशरीफ़ ले गए। जब बाजार में तशरीफ़ ले गए तो बाजार में फैसला हो चुका था, फलां का शेर बड़ा अच्छा है, इसको ताज सोने का ताज पहना दो, इनका शेर काबा गिला पर लटका दो। ताज पहना नहीं पहन नहीं पाया था कि मुस्तफ़ा जान पहुँच गए। फरमाया क्या हुआ? कहा उनका शेर सबसे अच्छा है, ये शेर लड़के काबा गिला पर लटकाया जाएगा। रसूल ने फरमाया एक कलाम हम भी लेकर आए हैं, मेरा कलाम सुन लो, एक जबान हम भी लेकर आए। कहो जोर से मेरा सुभान अल्लाह, कहो जोर सुभान अल्लाह, जोर से कहिए मुखल कहिए सुभान अल्लाह, एक जबान हम भी लेकर आए हैं, मेरी भी जबान सुन लो, हम दूसरी जबान नहीं बोलेंगे, अरबी ही लेकर आए हैं, जिस अरबी की बुनियाद पर ये बाजार लग रहा है उस अरबी को मेरी जबान से सुन लो। लोगों ने कहा ये कलाम आप कहां से शायर बन गए, आप तो शायर नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं है, आपने मदरसा नहीं देखा, स्कूल नहीं देखा, मकतब नहीं देखा, आपने कलम नहीं पकड़ा, आप क्या जाने, जाने शायरी, क्या जाने आप जबान, क्या जाने आप फसाहत, क्या जाने आप बलागत, आप तो उम्मी है। मुस्तफा जाने आलम ने कहा कि दुनिया की बलागत जहां पर खत्म होती है वहां से मेरी बलागत शुरू होती है, वहां से मेरी बलागत शुरू होती है। तो फसाहत की ताना दे रहे हो, फसाहत की ताना मत दो हमें, ये बाजार सबके लिए है, आम जमहूर बाजार है, सब अपनी जबान सुनाएगा, हम भी अपनी जबान कहेंगे, सुनो मेरी जबान, ताज रहने दो। लोगों ने कहा जल्दी कीजिए, टाइम लॉस ना कीजिए। मुस्तफा जान आलम खड़े हो गए, औज़ु बिल्लाह पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, फिर फरमाया इन्ना आताइना कल कौसर फसल लिल रब्बी का वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। शायरों ने कहा क्या कहा आपने, कहा इन्ना आताइना कल कौसर फसल लिल रब्बी का वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। शायरों ने फिर कहा कि फिर से पढ़िए, हम पर जादू कर दिया गया, ये कैसी जबान सुन रहा हूँ, कैसा कलाम सुन रहा हूँ, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था, फिर से पढ़िए। नबी ने फिर से पढ़ा इन्ना आताइना कल कौसर फसल लिल रब्बी का वनहर इन्ना शानिका हुवल अब्तर। तमाम शायरों ने एक जबान में कहा, माने न माने कलाम का तेवर बता रहा है, ये इंसान का नहीं किसी खालक इंसान का कलाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शहबाज़े खिताब। नबी अकरम ने फरमाया कि मान लो खुदा का कलाम है, मेरा कलाम नहीं है, खुदा का मान लो। अजब मानने के नौ बताए शायरों ने, कहा मुझे टाइम दीजिए मानने के लिए। कहा दिया कितने दिन, कितनी देर? कहा थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा टाइम गुजरा। कहा क्या हुआ? कहा मुस्तफा सुनो, हम कट जाएंगे, काट डालेंगे, मर जाएंगे, मार डालेंगे, मगर हम इसे खुदा का कलाम नहीं मानेंगे। मैं कहता हूँ मुस्तफा आपकी सच्चाई को सलाम, अरब कह रहा था कि रसूल कहो ये तुम्हारा कलाम है तो हम मान लेंगे कि मुस्तफ़ा का कलाम है। मुस्तफ़ा जाने का मेरा कलाम नहीं, ये खुदा का कलाम है, अल्लाह का कलाम है, मानो ना मानो तेरी मर्जी, ये अल्लाह का कलाम है। लोगों ने कहा कि अब यहीं पर जिस आयत करीमा में मैंने तलावत की है, अब वहाँ पर हम जहन को ले जाने से बिल्कुल कासिर हैं कि टाइम बहुत लग जाएगा, इसका जवाब दे दो, अगर नहीं मानते ये खुदा का कलाम है। चैलेंज किया गया, बड़ा शानदार चैलेंज है कुरान में। और फिर किसी मौके पर बस एक बात कहकर रुख्सत हो रहा हूँ कि मुस्तफ़ा जाने आलम ने तो सिर्फ अरब वालों को चैलेंज किया था कि तुम इसकी तरह को सीरत बना दो। कुरान के 15वें पारे में ही आयत करीमा है, कुल्ला इन तमातल इंस वल जिन, पूरी दुनिया का इंसान जिन्नात जमा हो जाए और ये सब मिलकर चाहे कि कुल अल्लाह वहद का जवाब दे दें तो ये सब मर जाएंगे, मगर इसका भी जवाब ही दे नहीं पाएंगे। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलने लगे तो आपने इशारा फरमाया कि मैं जा रहा हूँ, साल भर का टाइम देकर फिर आऊँगा, अगले साल यही मुलाकात करूँगा, इसका जवाब बना लेना, इन्ना तैना का जवाब। अगर जवाब ना बन पाए तो छोटा किए दे रहा हूँ,
जा रहा हूँ, सीधे काफ का जवाब दे देना, हामीम का जवाब दे देना, तासीन का जवाब दे देना, हामीम ऐन सीन काफ का जवाब दे देना। मगर मुस्तफ़ा ये कहकर गुजर रहा है कि दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, ये काफ का जवाब नहीं दे सकती है, नून का जवाब नहीं दे सकती है। ऐ मुसलमानों, जिसका जवाब कोई ना दे सका, वो कुरान तुम्हारे हाथ में है, वो किताब तुम्हारे हाथ में है, जो बेमिसाल किताब है वो कुरान तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे घर में है, तुम्हारे मदरसे में है, तुम्हारे बच्चों के सामने है। तुम भी चाहते हो कि हम बेमिसाल बन जाए, इस कुरान को सीने से लगाओ, लाजवाब बन जाए, इस कुरान को सीने से लगाओ। ये कुरान तुम्हें दुनिया के तमाम फितनों से बचाएगा, तमाम बलाओं से बचाएगा, मुसीबतों से बचाएगा। बस दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ। नबी अकरम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है सूरह कहफ, जो इसको पढ़ लेगा हफ्ता भर वो फितने से महफूज रहेगा। अगर उस हफ्ते में दज्जाल का फितना भी जाहिर हो जाए तो अल्लाह उसको भी इससे महफूज रखेगा। सूरह कहफ और ऐसी तमाम सूरतें हैं, ये फितनों से बचाएगा कुरान, बलाओं से बचाएगा। ये शिफा है, ये रहमत है, ये तिब्यान है, ये बरकत है, ये फजीलत है, ये सलापा इनायत है, ये खुदा का करम है जो कुरान जैसी किताब खुदा ने किसी और कौम को नहीं दिया है, उसे दिया है जो मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं, मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। इस कुरान को आप सीने से लगाओ, इसको हल्के में ना लो। मुसलमानों, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला इस इदारे को दीन दूनी राह चौगनी बेपनाह तरक्की अता फरमाए। आपसे गुजारिश है कि आप भी आइए कुरान पढ़ने, बच्चों को भेजिए, नाबालिगा बच्चियों को भेजिए, आप कुरान पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। नबी अकरम ने फरमाया, या अबा हुरैरा ताअल्लिमिल कुरान वअल्लिमहुन्नास वला तज़ालु कज़ालिक हत्ता यातियकल मौत ज़ारतुल मलाइकतु क़ब्रका कमा युज़ारुल बैतुल अतीक। ए अबू हुरैरा, कुरान पढ़ा करो, पढ़ाया करो, पढ़ते पढ़ाते तेरी मौत हो जाए तो तेरी कब्र को देखने आसमान से फरिश्ते आया करेंगे, जैसा कि काबा देखने हाजी लोग जाया करते हैं। आपसे गुजारिश है, कुरान पढ़िए, कुरान पढ़ाइए, कुरानी माहौल बनाइए, कुरानी तालीम को आम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा के लिए कुरान पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन वा खुदावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।